हेलो एंड वेलकम भाई, स्वागत है आप सभी लोगों का सुनम के दोस्त के चैनल पे। तो भाई आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले इंडियन आर्मी वर्सेस चाइनीज आर्मी, देखते हैं कौन से देश की आर्मी ज्यादा मजबूत है। तो भाई ये वीडियो बनाई है डिफेंस इंटरनेशनल चैनल ने, तो भाई देखते हैं भाई मजा आने वाला है कंपेरिजन देखते। चाइना इंडिया, ग्लोबल रैंक की बात करें तो चाइना की नंबर 3 रैंक में, इंडिया की 4th है भाई। कैपिटल चाइना की बीजिंग, इंडिया का न्यू दिल्ली। GDP 18.32 ट्रिलियन डॉलर, इंडिया की है भाई 3.69 ट्रिलियन डॉलर। GDP पर कैपिटा, इसमें भी चाइना काफी आगे है यार। परचेजिंग पावर भाई, इसमें भी चाइना आगे दिख रहा है, बहुत ज्यादा है, डबल में आ गया भाई। डिफेंस बजट भी चाइना का बहुत ज्यादा है भाई, लगभग 4 गुना। पॉपुलेशन तो इंडिया की ज्यादा है भाई इस समय तो, पॉपुलेशन लगभग बराबर दिख रहा है इसमें। स्क्वायर लैंड एरिया भी चाइना का ज्यादा है। प्रेसिडेंट चाइना का शी जिनपिंग और श्री नरेंद्र मोदी। डिफेंस मिनिस्टर भाई ये तो पढ़ नहीं पा रहा मैं, अपने इंडिया का राजनाथ सिंह है भाई। चाइना ग्राउंड फोर्सेस का PLA ग्राउंड फोर्स नाम है, इंडियन आर्मी इंडिया का भाई। चाइना की टोटल मिलिट्री 31 लाख, इंडिया के 51 लाख भाई। इंडिया इसमें बहुत ज्यादा आगे है यार मिलिट्री में। एक्टिव पर्सोनल चाइना के 20 लाख, इंडिया के 14 लाख 50,000 भाई। रिजर्व पर्सोनल की बात करें तो चाइना के 5 लाख 10,000, इंडिया के 11 लाख 55,000 भाई। इंडिया बहुत आगे है। पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी इंडिया बहुत ज्यादा आगे है भाई, 25 लाख भाई साहब। टैंक्स में इंडिया थोड़ा सा पीछे है, 300 टैंक का है। आर्मर्ड व्हीकल्स 74,000 पीछे है भाई। IFV इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, इसमें चाइना 3 गुना आ गया है। APC आर्मर्ड पर्सोनल कैरियर भाई, इसमें भी चाइना बहुत आ गया है यार इंडिया से। आर्मर्ड कार भाई, इसमें इंडिया आ गया है भाई, 3 गुना ज्यादा व्हीकल्स है इंडिया के पास भाई। MRAP माइंस प्रोटेक्टेड व्हीकल्स भाई, इसमें लगभग बराबर है, हालांकि चाइना आ गया है इसमें। आर्टिलरी भाई, इसमें चाइना आ गया है भाई, लेकिन इंडिया पीछे नहीं है काफी आर्टिलरी है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, इसमें तो इंडिया बहुत पीछे है भाई यार, इसमें चाइना कुछ ज्यादा आ गए। टोर्ड आर्टिलरी भाई, इसमें इंडिया आ गया, 3 गुना आ गया भाई इंडिया इसमें भाई। रॉकेट प्रोजेक्टर चाइना इसमें 2 गुना आ गए। एयरफोर्स की बात की जाए तो इंडिया की इंडियन एयरफोर्स और चाइना की PLA एयरफोर्स भाई। एयरक्राफ्ट, इसमें चाइना आ गया भाई, चाइना 1000 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स, मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट भाई, इसमें भी चाइना आ गया है भाई, डबल से आ गया चाइना इसमें यार। अटैक एयरक्राफ्ट, इसमें भी चाइना आ गया है भाई। चाइना असल में ना कुछ ज्यादा एडवांस है थोड़ा भारत से, लेकिन इंडिया पीछे नहीं है। स्विफ्ट जनरेशन, ये बहुत बड़ा गैप है भाई भाई। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, इसमें लगभग थोड़ा कंपेरिजन है, इंडिया ज्यादा पीछे नहीं है। टोटल हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में भी लगभग इक्वली है यार, हाँ इक्वल है। अटैक हेलीकॉप्टर भाई, इसमें चाइना आ गया है काफी बड़े मार्जिन से आ गए भाई। ट्रेनर एयरक्राफ्ट भाई, इसमें लगभग सेम है, इसमें लगभग बराबरी है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इसमें भी सही है, हाँ। इसमें भी सही है, इंडिया ज्यादा पीछे नहीं है इसमें। एरियल टैंकर भाई, इसमें इंडिया आ गया भाई, इंडिया के पास ज्यादा अच्छी है इंडिया के पास। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट भाई, इसमें चाइना आ गया थोड़ा मार्जिन से आ गया है भाई। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसमें भी चाइना आ गया यार। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट, इसमें भी चाइना आ गया भाई, कुछ ज्यादा ही आ गया इसमें। रिकनसाइंस एयरक्राफ्ट भाई, इसमें इंडिया बहुत ज्यादा बड़े मार्जिन से आ गया। UAV भाई, इसमें भी चाइना डबल रैंक से आ गया। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भाई, इंडिया के पास एक भी नहीं है, ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है। स्टेल्थ बॉम्बर किसी के पास नहीं, ये शायद सिर्फ US आर्मी के पास है। मोस्ट एडवांस फाइटर जेट भाई, ये इंडिया का राफेल और चाइना का चेंगडू J20, ये कैसा नाम था भाई। भाई मोस्ट एडवांस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर इंडिया के पास है ही नहीं। मोस्ट एडवांस हेलीकॉप्टर इंडिया का अपाचे, CIC Z10 लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। चाइना का Y20 और इंडिया का C17। एयरपोर्ट्स में भी चाइना आ गया है यार इंडिया से, वॉर में काफी स्ट्रेटेजिक हो जाते हैं एयरपोर्ट्स। नेवी, PLA नेवी है चाइना की और इंडियन नेवी है इंडिया की भाई। चाइनीज नेवी ना थोड़ी आ गया इंडिया से। फ्लीट स्ट्रेंथ देखो भाई,
काफी ज्यादा बड़ा मार्जिन से अंतर है। एयरक्राफ्ट कैरियर ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये बढ़िया लगा देख के यार। हेलो कैरियर, इंडिया के पास हेलो कैरियर नहीं है भाई। ये भी सबमरीन, सबमरीन तो भी चाइना बहुत आगे है यार, 50-60 सबमरीन ज्यादा है। डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर में भाई चाइना आ गया है भाई। पर आने वाले कुछ सालों में ना इंडिया के बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। फ्रिगेट्स भाई, इसमें भी चाइना आ गया यार, इन चाइनीज नेवी ना थोड़ी ज्यादा मजबूत है। कॉर्वेट, इसमें भी चाइना आ गया। पेट्रोल वेसल, इसमें भाई बराबरी है, इसमें थोड़ा कंपैरिजन किया जा सकता है बढ़िया। माइन वॉरफेयर इंडिया पे है ही नहीं भाई, और इंडिया पे एक ही माइन वॉरफेयर नहीं है। मर्चेंट मरीन, मर्चेंट मरीन में भी चाइना आ गया भाई बहुत ज्यादा, 6 गुना। न्यूक्लियर वेपन्स, इसमें भी चाइना आ गया भाई। डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन्स 0, ये अच्छी बात है यार, ये अच्छी बात है। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स बहुत बड़ा मार्जिन है भाई, ये तो इंडिया के पास एक भी नहीं है यार। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भाई, इसमें इंडिया आ गया है। ब्रह्मोस मिसाइल भाई, दुनिया के सबसे तगड़ी मिसाइल। फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट इंडिया में 10 साल बाद किया था चाइना से, न्यूक्लियर टेस्ट है शायद ये। टोटल टेस्ट इंडिया ने कम करे है, चाइना ने 45 टेस्ट किए अभी तक। लार्जेस्ट टेस्ट 4 मेगाटन 45 किलो पर, भाई बहुत ही बड़ा डिफरेंस है तो यार। डिस्ट्रक्शन पावर 72 मेगाटन 25 मेगाटन। ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, चाइना बहुत आगे है यार इसमें भी। मैक्सिमम रेंज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल 15,000 किलोमीटर 8,000 किलोमीटर। SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, भाई इसमें भी चाइना बहुत आगे है यार। इनकी रेंज की बात है तो ज्यादा है, इंडिया की 3,500 किलोमीटर, चाइना ने 12,000 किलोमीटर। पोर्ट्स एंड टर्मिनल चाइना में ज्यादा है, 9 ज्यादा पोर्ट्स है भाई। ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन में भी इंडिया बहुत पीछे है यार, बहुत पीछे। ऑयल कंजम्पशन में, इसमें इंडिया इसमें भी पीछे है भाई, बहुत अच्छी बात है, ऑयल कंजम्पशन कम ही होना चाहिए। लेबर फोर्स की बात करें तो यहाँ पे भी चाइना आ गया भाई, लेबर भी चाइना के पास ज्यादा है। रोडवेज, रोडवेज में अब इंडिया वैसे आगे निकल गया है, अब सिर्फ अमेरिका आगे बचा है। कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन भी चाइना की ज्यादा बढ़िया है, ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसे है भाई। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को कंपेयर करके हमें ये पता लगा कि इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी में चाइनीज आर्मी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन जो इंडियन आर्मी का एक्सपीरियंस है ना वो भाई बहुत ज्यादा है भाई। हम तो ये चाहेंगे कभी भी वॉर ना हो इंडिया और चाइना के बीच, अच्छे रिश्ते बने रहे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और गाइस कमेंट में जरूर बताना आप क्या चाहते हो आगे और ऐसी वीडियो बनाए, और आगे कौन से देश की आर्मी को इंडियन से कंपैरिजन किया जाए।